मॉर्निंग, आज हम लोग देखेंगे वोल्टेज रेगुलेटर के बारे में। आईसी की मदद से हम लोग आज वोल्टेज रेगुलेटर बनाएंगे, तो इसके बारे में आज आपको रोहित बताएंगे। रोहित बताएंगे, जैसा कि पिछला बार हम लोगों ने बनाया था जिनर डायोड के से वोल्टेज रेगुलेटर बनाया था, आज हम बनाने वाले हैं आईसी की मदद से। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा एक 7812 आईसी और दो कैपेसिटर लगेगा, जो कि एक इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है और दूसरा ये कैपेसिटर है मेटा कैपेसिटर, और एक रजिस्टर लगेगा जो कि क्या था 820 ओम का है, और एक एलईडी लगेगा। तो चलिए इसको पहले हम बना लेते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं, हम लोगों ने सर्किट को असेंबल कर लिया है और साथ ही इसके लिए एक डीसी पावर रेगुलेटर का उपयोग कर रहे हैं और एक मल्टीमीटर का उपयोग कर रहे हैं, इसके वजह से जिसमें हम आउटपुट वोल्टेज को देख पाएंगे। ये देखते हैं, जैसे कि हम सर्किट डायग्राम को देखते हैं, ये एक 7812 तीन पिन वाला आईसी है, जिसमें कि एक पिन पे माइका कैपेसिटर को जोड़े हैं और उसका बीच वाला पिन को ग्राउंड से कनेक्ट किए हैं, और तथा दूसरी तरफ सिरामिक कैपेसिटर इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर को जोड़े हैं, जिसका नेगेटिव टर्मिनल पिन नंबर 3 के साथ कनेक्ट है। साथ ही हम इधर एक एलईडी बल्ब और को रजिस्टर के सहायता जोड़े हैं, ताकि इंडिकेट कर सके आउटपुट वोल्टेज को, और आउटपुट वोल्टेज में हमें यहाँ पे 12 वोल्ट मिलेगा। तो जैसा कि देख सकते हैं, अभी 0 वोल्ट है, तो 0 ही हमें दिख रहा है, जो हम अपने ऑब्जर्वेशन टेबल पे नोट करेंगे। उसके बाद इसको बढ़ाते देखते हैं, 5 वोल्ट तक बढ़ाते हैं। तो 5 वोल्ट पर बढ़ाने पर हमें आउटपुट में दिखा रहा है 4.3। उसके बाद 10 वोल्ट तक बढ़ाते देखते हैं इसको, तो 10 वोल्ट में भी हमें दिख रहा है 9.25। इसे 12 वोल्ट पर बढ़ाते हैं, 12 वोल्ट में भी दिख रहा है 11.4। और इससे ज़्यादा बढ़ाने के बाद देखते हैं 16 वोल्ट तक, फर्स्ट टाइम हमें 12 वोल्ट देखने को मिल रहा है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। आईसी से हम लोग वोल्टेज रेगुलेटर पावर सप्लाई का यूज से हम लोग आज 7812 का प्रयोग करते हैं हम लोग डीसी रेगुलेटर। तो पिछले क्लास में, अगले क्लास में हम लोग देखेंगे बिना डीसी पावर सप्लाई के एक ब्रिज रेक्टिफायर कनेक्ट करेंगे और आगे देखेंगे हम लोगों को आउटपुट वोल्टेज, मतलब इनपुट में हम लोग चेंज नहीं कर सकते और आउटपुट में हम लोगों को कॉन्स्टेंट वोल्टेज मिल जाएगा। थैंक यू।